अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है RG59+220 केबल पे माइक्रोफोन कैसे लगाते हैं सीसीटीवी कैमरे के साथ, क्योंकि इस केबल में माइक्रोफोन काफ़ी कम लगते होते हैं, यानी कि बहुत कम बंदे हैं इंस्टॉलर हैं जो लगाते हैं। ज़्यादातर जो हैं वो जो टू पेयर केबल चल रही है आजकल, रेड येलो ग्रीन ब्लैक, उसके लिए माइक्रोफोन उसके बीच में लगाते हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसके जी, बीच तो में सबसे माइक्रोफोन पहले कैसे किसी भी लगता चीज़ है, को चलाने से ले आइए चलाने के देखते लिए हैं। उसकी केबल की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कॉपर में होनी चाहिए। तो कोशिश किया करें कि आप कोई भी केबल यूज़ कर रहे हो, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है, किसी भी चीज़ की है, वो कॉपर की केबल हो। जिस तरह ये हमारी केबल है RG59 है, ये 48 का जाल है, इसमें 48 जाल वाली है केबल। और इसकी जो पावर केबल है वो 220 वाली है, 2376। जी ये हमारी फ्लेक्सिबल केबल है बेल्डन कंपनी की, इसके ऊपर मेंशन है बेल्डन कंपनी है। RG59+220 प्योर कॉपर है ये। इसकी ये जो तारे हैं 23 तारे हैं, 2376 है। ये हमारे पास एक माइक है, इसमें जो है रेड ब्लैक जो है वो पावर की है, और येलो कलर की जो इसमें केबल आ रही है नज़र वो भी ऑडियो की है। तो अब हम बताएंगे कि इसमें कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं RG59 केबल में, और माइक के भी और सीसीटीवी जी, कैमरे के ये भी। जो सिंगल येलो कलर केबल की है। केबल है ये हमारी ऑडियो की केबल है, बाकी जो दो हैं वो हमारी माइक की पावर है। माइक जो है ये 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक सपोर्टेड है, और इसको ओपन करने के बाद इसमें वॉल्यूम की एडजस्टमेंट है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आप कहीं माइक आपने लगाया, डिस्टेंस कम है, तो उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत शोर आ रहा है, तो आप इसको स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा लो करेंगे, लो हाई का इसमें मेंशन हुआ हुआ है, अभी आपको थोड़ा क्लोज़ करके दिखाता हूँ। तो आप इसको जो लो हाई करेंगे तो ये आवाज़ आपकी मुनासिब जितनी आपको चाहिए होगी आप उतनी रख सकते हैं इसमें। जी ये हमारे पास BNC केबल है सीसीटीवी कैमरे की, एनालॉग कैमरे की। इसको हम डीसी पिन जितना कट कर लेते हैं, जितना कैमरे की तरफ डीसी पिन लगती है, डीसी कनेक्टर वाली केबल, उतना हम इसे कट कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जितनी ये बैक बैक साइड पर जितनी केबल है ये DVR के पास काम आए। जी तो ये हमारी डीसी पिन आ गई और ये हमारी BNC आ गई। ये केबलें हैं सीसीटीवी कैमरे की जो आपकी कैमरे की तरफ इंस्टॉल होगी, DVR की तरफ आपकी सप्लाई लगेगी, BNC केबल सिंगल लगेगी और माइक्रोफोन की RG7 लगेगी। ये हमारी BNC और DC पिन तैयार है, अब हमने कनेक्शन करना है RG59 केबल के साथ। इसमें हमारे पास टोटल जो हैं वो 4 केबलें हैं शील्ड मिला के, जो हमारी वायर है, और इसका हमने ग्राउंड जो है मिक्स कर देना, ग्राउंड हमने ज्वाइंट कर देना दोनों का, डीसी पिन का भी और BNC का भी। इधर से हमने केबल के साथ भी इनका ग्राउंड दोनों का ज्वाइंट कर देना है। शील्ड जो है, अब जो हमारी ब्लैक केबल है उसको हमने ऑडियो के लिए यूज़ करना है, माइक के लिए, अदरवाइज हम उसे यूज़ करते हैं ब्लैक न्यूट्रल के लिए। तो रेड जो है वो फेज ही है, ये वीडियो BNC की लग रही है, ये BNC आपकी ऐसे लग जाती है, और बाकी जो है आपकी रेड जो है उसमें 12 वोल्ट जाएंगे, उसमें आपकी डीसी पिन ये अब लगेगी। आपकी लग रही है डीसी पिन, ये हमारी डीसी पिन होगी क्लियर। अब हमारी डीसी पिन भी क्लियर हो गई है रेड केबल के साथ, डीसी पिन की रेड केबल पावर की रेड केबल के साथ लगानी है, ये ब्लैक केबल ऑडियो के लिए छोड़ी हुई है, इसमें माइक लगना है। अब हम चलते हैं माइक की तरफ, तो माइक इंस्टॉल कर लें। इसमें आपने जो ग्राउंड है माइक का जो न्यूट्रल है वो आपने ग्राउंड के साथ मिक्स कर देना है, ज्वाइंट करना है, और जो आपका फेज़ है रेड कलर की जो माइक की केबल है जो 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक सपोर्टेड है, वो आपने रेड केबल के साथ जो आपकी केबल के में से बेल्टन केबल में से तार आ रही है रेड कलर की उसमें आपने लगा देनी है।
पीछे आपकी रह जाती है केबल, जो पीछे आ रही है केबल में से ब्लैक कलर रह जाता है आपका। ब्लैक कलर आपने येलो कलर जो वॉल्यूम का है उसके साथ लगा देना माइक के। हाँ इस टाइम हमारी केबल में से सिर्फ एक केबल फ्री है, वो है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को हमने ऑडियो के लिए छोड़ा हुआ है। अब हम इसको माइक इंस्टॉल करने लगे हैं। ये जो येलो कलर की केबल है ये माइक की है वॉल्यूम की, ये हमने ब्लैक को दी हुई है, तो ब्लैक हमने ग्राउंड के साथ जोड़ दी है। जो ब्लैक पहले काम करती थी अपने न्यूट्रल में, वो अब ग्राउंड के साथ ही न्यूट्रल का काम कर रही है, तो हमें ब्लैक फ्री मिल रही है, उसको हमने येलो के साथ ज्वाइंट करके माइक दे देना है। ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गया, अब हमने इसे इंसुलेट कर लिया। सामने जो है ग्रे केबल और ब्लैक केबल, बीएनसी और डीसी पिन, ये सीसीटीवी कैमरे की है, और सीसीटीवी कैमरे के साथ ही आपने ये माइक इंस्टॉल करना है। अब चलते हैं डीवीआर वाली केबल वाली साइड पे, जहां आपने डीवीआर में जो कनेक्शन करने हैं अभी वो दिखाते हैं। जी तो इस केबल के बीच में से मैंने रेड ब्लैक जो कलर है वो मैंने पहले ही निकाल लिया, ताकि हमारी बीएनसी जो है वो स्ट्रेट लगे सीधी। रेड ब्लैक कलर आपने तकरीबन 1 फुट पीछे से ही निकाल लेना है। जब आपकी बीएनसी ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लगेगी तो काम में मतलब बहुत खूबसूरती आती है, फिनिशिंग से काम हो जाता है। अब आपकी ये न्यूट्रल जो थी वो ऑडियो का काम कर रही है, और रेड जो है वो फेस का काम कर रही है। ब्लैक को आपने जो है ये अभी बीएनसी अभी हमने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, ये डीवीआर की तरफ लगेगी बीएनसी। ये हमारा है कनेक्टर ऑडियो का, ये आपने डीवीआर में लगाना है ऑडियो इन में। अब इसके जो सोल्डरिंग है वो आपने करनी है ब्लैक केबल के साथ। इसके सेंटर में एक पिन होती है, उसमें आपने ब्लैक केबल सोल्डरिंग करनी है। इसको आपने इस तरह सेंटर वाली टिप में इस तरह रख के सोल्डरिंग कर लेना है, और कोशिश करें कि इसको साइडों पे आप टेप लगा लें, इंस्टॉलेज कर लें, जिसकी वजह से आपकी ये केबल कभी भी इधर साइड पे उसके ग्राउंड में टच नहीं होगी। ये हमारी अब 12 वोल्ट आपने ये रेड केबल को देने हैं, रेड केबल से 12 वोल्ट जाएंगे, और ये नीचे जो है वो ऑडियो और वीडियो कनेक्टर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वॉच करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।